नाम इधर याद इंडिया नाम रखा गया याद था नाम कि नए खबर आ रही गठबंधन। है कि आप लोगों ने ये अपने सब जो इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनके नियंत्रण में जो मीडिया है उसका दुष्प्रचार है। कई तरह के दुष्प्रचार होते रहते हैं, अफवाह फैलाने में बड़का झूठा पार्टी का साथ इस देश की गोदी मीडिया भी दे रही है। सच्चाई क्या है? सुशील मोदी ने सबसे पहले सच्चाई रिएक्ट किया क्या है? पहले पूरी बात मेरी सुन लीजिए ना कि आप ही का बतवा हम डिक्टेशन आपका हम सुने। नहीं नहीं सर, बोलिए आप बोलिए। और कई तरह के दुष्प्रचार हुए हैं पिछले कई दिनों में। कभी हुआ कि जनता दल यू का आरजेडी का विलय होगा, यह दुष्प्रचार गोदी मीडिया ने चलाया। फिर हुआ कि जनता दल यू में आरजेडी में खटपट है, ये दुष्प्रचार गोदी मीडिया ने चलाया। और अब चला रहा है नीतीश कुमार जी नाराज हैं। काहे का नीतीश कुमार जी नाराज होंगे? नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं और सूत्रधार कभी नाराज नहीं होता। इंडिया सबों की सहमति से नाम तय हुआ है। सुशील मोदी जी अपने छपास रोग से ग्रस्त हैं, उनको रहने दीजिए। हम तो आग्रह करेंगे क्योंकि हमने एक वीडियो देखा है इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, मुंबई में वो भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। तो अब मोदी जी वोट फॉर इंडिया के लिए वोट मांगे और मैदान छोड़कर चले। आज तक मैं भी 5 वर्ष रहा एनडीए में, आज तक कभी मोदी जी ने एनडीए की बैठक नहीं बुलाई, आज तक कभी बैठक बैठक नहीं हुई। हम भी 5 साल पार्लियामेंट में रहे एनडीए में, लेकिन नहीं हुई बैठक। अब उनको काहे का बैठक बुलाने का चिंता हो गया कि घबराहट में ही ना, हताशा में ही ना, जिसको जिसको बुलाए हैं 23 गो सीट है पूरे नॉर्थ पूर्वोत्तर राज्य में, और 15-16 पार्टी को पूर्वोत्तर राज्य से बुलाए। तो ऐसा जमा करते रहिए, ये आपके हताशा का और घबराहट का परिचायक है। 2024 का चुनाव आप बुरी तरह पराजित। अरे भ्रष्टाचारी पीएम तो खुद अपनी बात को भी याद कर ले। महाराष्ट्र में किसको भ्रष्टाचारी वो कर रहे थे? अमेरिका से जब लौट के आए थे तो महाराष्ट्र के बारे में जो उन्होंने चर्चा की थी इसको भ्रष्टाचारी कहे थे। वो सारे आज किनके पास हैं? इसका भी तो जवाब आदरणीय प्रधानमंत्री जी दे। नीतीश जी को संयोजक लेकर चर्चा है सर, अभी ये सब कोई बात नहीं है। अब अगली बैठक जब मुंबई में होगी तब आगे की चर्चा होगी।